अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चाट बनाने का तरीका बताऊंगी, चना चाट। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं, लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं बताती हूँ कि चाट के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार हैं। उसके लिए मैंने ये सफेद और ब्लैक, काले और सफेद चनों को बॉईल कर लिया है। इसके साथ ये मैंने अरवान लिए हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो अगर आप यूज करेंगे तो चाट का बहुत ही टेस्ट जो है वो मजेदार हो जाता है। इसके बाद मैंने 4 से 5 आलू लेकर इसको बारीक इस तरह चॉप कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद 3 हरी मिर्चें, 1 मैंने कट कर ली, आप इसको टेस्ट के मुताबिक यूज करें। और इसके बाद मैंने 1 दरमियानी प्याज लच्छेदार कट कर लिए। इसके बाद 1 चम्मच नमक, वैसे आप हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा, ये पुदीना मेरे पास सूखा हुआ है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने शुगर चीनी ली है और थोड़ी सी इमली। अब आपने ये जितने मसाले देख रहे हैं, आप चाहें तो इसके साथ बाजार का बना हुआ चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्योर घर के मसाले इस्तेमाल करूंगी। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक ग्लास में खट्टा लिया हुआ है, खट्टा मैंने पहले ही बना लिया था। आपने क्या करना है, इस तरह थोड़ी सी इमली लेनी है, तकरीबन 125 ग्राम आपने इमली लेनी है, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा जीरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आपने सुर्ख मिर्च और नमक, 1 ग्लास पानी में ये सारे मसाले डालकर साथ ही हमने क्या करना है, 125 ग्राम की इमली डाल देनी है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए, या आप ये देख लें कि 1 बॉईल आए तो आपने इस खट्टे को उतार लेना है। मैंने पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, ये देखेंगे इस तरह हमारा जो है वो खट्टा तैयार हो जाएगा। चलिए अब तमाम मसालों को और चीजों को मिक्स करते हैं। वैसे मैंने इसमें डाला हुआ है, जरूरत होगी तो मैं डालूंगी। ये देखें, ये एक्चुअली थोड़े से गर्म थे चने जो मैंने बॉईल किए थे, इसलिए मैंने इसके अंदर बर्फ का इस्तेमाल किया। ये मैंने 1 प्याली सफेद और काले चनों को इकट्ठा बॉईल किया। अब हम इसके अंदर ये अरवा लोबिया जिसको कहते हैं, ये हम शामिल करेंगे। इसके बाद ये आलू बॉईल किए हुए और इसके साथ ये कटी हुई हरी मिर्च, ये प्याज हम शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर ये जो पहले से बना हुआ खट्टा शामिल करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने खट्टे में ही तमाम नमक मिर्च और मसाले डाले हुए थे, लेकिन अगर आपको ऊपर से डाले हैं तो आप चाट मसाले का इस्तेमाल करें। ये मैंने ये देखें, ये इस तरह इसके अंदर ये थोड़ा सा सिरप भी नजर आएगा और ये जूसी सी जो है हम वो हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मजीद नमक में किए, मैं गरम मसाला डालूंगी 1 पिंच नमक, हसबे जायका, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और अब हम इनको शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो चना चाट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये डिश पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और मजीद आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें।